वेलकम बैक टू द ट्रैवल कपकेक्स। हम दोनों की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक मुबारक। और आज हम फिर से वीडियो लेके आए हैं, डॉक्टर इसरा अहमद का वीडियो लेके आए। तो चलिए देखते हैं वीडियो में आज क्या है। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ قال الله تعالى يا عيسى ابن مريم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا فقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد وقال عز وجل كما ورد في سورة الزبر الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين। आपके इल्म में है कि आज मैं वफात मसीह के मौजू पर गुफ्तगू करूंगा। इसके पस मंजर के ज़िमन में चंद बातें आपको बताना चाहता हूँ। नंबर एक तो ये कि जितने भी फितने उठे हैं उम्मत में और जो अब भी उठ रहे हैं, वो सिलसिला ख़त्म होने वाला तो नहीं है। सलासूना दज्जालूना कज़्ज़ाबूना, तो मुसाफ़ चलता रहेगा क़यामत तक। तो उनमें एक मुश्तरक बात यह होती है कि वो किसी ऐसे मसले को जिस पर के मौजूदतुल वक्त हालात जो होते हैं उनके मुताबिक फिजा साजगार होती है और उसका कोई जज्बाती पहलू भी होता है, लेकिन जो उम्मत के इजमा के खिलाफ होता है उस पर डेरा लगाते हैं, उस पर गुफ्तगू करते हैं, उसको लोगों के मनवा लेते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि चूंकि वो चीज़ मुजमा अलैह होती है, उम्मत का इजमा है 1400 बरस, अब अगर उस शय को उन्होंने गलत साबित कर दिया अपने ज़ोम में और आम लोगों से कि जो साहिब इल्म नहीं है, कि जो नहीं समझ सकते बात को, उसे मनवा लिया, इसका मतलब है कि अब उस शख्स के मोतकिद हो गए और असलाफ से मुनहरिफ हो गए कि ये तो बेवकूफ़ से सब लोग, ये सारे हमारे उलमा, ये सारे मुहद्दिसीन, ये सारे मुफस्सिरीन, ये सब बेवकूफ़ थे, ये बात भी नहीं कर सके। ये है वो शख्स, ये मुजद्दिद वक्त है जिसने ये बात कही। इसकी एक मिसाल ये है वफात मसीह का मामला। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, दूसरा फितरा, वो भी गुलाम अहमद के नाम से शुरू हुआ, गुलाम अहमद परवेज। वो यतीम पोते की विरासत का ये मसला लेकर खड़ा हो गया। जैसे ये गुलाम अहमद कादियानी वफात मसीह का, कैसे हो सकता है कि हमारे नबी जो है वो तो फौत होकर ज़ेर ज़मीन दफन हो गए और ये ईसा जो है ये आसमान पर उठा लिए, कैसे मुमकिन है। अब जाहिर बात है, आम आदमी जो है मुसलमान, जिसकी हुजूर से मोहब्बत है, हुजूर की दिल में तहसीम है, अजमत है, अकीदत है,
वो इस जाल में फंस जाएगा। फिर वो अपने दलाइल के साथ उसको जो है वो, और चूंकि माहौल भी जो मैं उसका अर्ज करूंगा कि उसके मुआफिक हो जाता है उस वक्त। गुलाम अहमद परवेज ने क्या कहा, यतीम पोते का मसला, अब ये इजमा है, अगर किसी शख्स का कोई बेटा उसकी जिंदगी में फौत हो जाए तो उसका विरासत में हिस्सा नहीं होता, विरासत होती है उन्हीं में जो उसकी मौत के वक्त मौजूद हो, बेटे हो बेटियां हो। अब अगर जो फौतशुदा बेटा है उसके कोई यतीम बच्चे हैं, तो अब इसमें बड़ी एक जो है दलील, देखिए जी यतीम बच्चे बेचारे वो महरूम हो गए, यतीम बच्चों का तो ज्यादा हक होना चाहिए। तो ये तो अब कानून जो है, अगर ये इस पर इजमा है तो फिर वही बात कि ये सब बेवकूफ़ लोग थे और ये तो बड़े सख्त दिल और संगदिल लोग थे जिन्होंने ये बात घड़ रखी है। ये मैंने आपको दो मिसालें दे दी। अब जाहिर बात है कि जो इस्लाम का कानून मीरास है, कानून विरासत है, उसके कुछ बुनियादें हैं, उसके कुछ उसूल हैं, उन उसूलों पर वो खड़ा है और उसके मुताबिक जो फैसला है वो है। तो बहरहाल ये मैंने आपको मिसाल दी है कि किसी ऐसे मसले को लेकर उस पर डेरा लगा लेना, मोर्चा बना लेना, उससे अपनी अकीदत पैदा कर लेना, असलाफ से बरगश्ता कर लेना कि ये कोई लोग समझदार नहीं थे, ये बेवकूफ़ लोग थे, जाहिल लोग थे। अच्छा, अब इसी पस मंजर में समझिए कि 19वीं सदी के अवाखिर में क्या सूरत हाल हिंदुस्तान में हो गई थी। अंग्रेज आ गया था और 1857 के बाद उसकी बराह रास्त हुकूमत कायम हो गई थी। उससे पहले 1757 से 1857 तक जो भी हुकूमत थी, एक तो पूरे हिंदुस्तान पर नहीं थी लेकिन यह कि जो भी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, ताजे बरतानिया की नहीं थी। 1857 के बाद हुकूमत कायम हो गई। अब जाहिर बात है कि जब अंग्रेजों ने फतह किया हमें तो हम पर रोबतारी हुआ कि नहीं। फिर जो जिंदा कौमें होती हैं उनमें कुछ अच्छे औसाफ होते हैं, उनके अंदर फर्ज शनासी है, उनमें दयानतदारी है। अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर था, 9 बजे का वक्त है तो ठीक 9 बजे दफ्तर में मौजूद होगा, हमारे लोग जो आ रहे हैं लेट आराम से। लेकिन ये है कि उनकी ये चीज़ें जो होती थी, फिर बात अगर की है तो उसको पूरा किया है, तो इस हवाले से उनके उनका रोब होता है। उसी तौर पर उस ज़माने में एक सूरत ये पैदा हो गई कि न्यूटन की फिज़िक्स आ गई और मालूम हुआ कि ये तो गोया कि आसमान की वही से भी ज़्यादा मोतबर है। साइंस से जो बात साबित हो जाए बस वो हक है, और जो साबित ना हो सके वो ऐसे ही हैं, वो तो गोया के औहाम हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं। अब उस ज़मन में क्या हुआ, उस वक्त जो है सर सैयद अहमद खां एक शख्सियत उभरी। उन्होंने जब देखा कि इस्लाम की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो साइंटिफिक या साइंटिफिक जो अंदाज़े फिक्र है उसमें फिट नहीं बैठती, ये फरिश्ते किस बला का नाम है, साइंस तो नहीं बताती हमें, लिहाजा उन्होंने कहा फरिश्ता कोई नहीं है, ये फोर्सेस ऑफ द नेचर को फरिश्ता कह दिया गया, ये जिन क्या बला होते, कोई जिन विन नहीं है, वो तो साइंस की उसमें तो नहीं आते, दिखाई नहीं देते, कोई जिन नहीं, ये तो जो मुश्तइल मिजाज के लोग होते हैं इंसान, उनको जिन कह दिया गया कि वो आग से पैदा हुए। जैसे हम कह देते हैं फलां शख्स गुस्से में आग बगूला हो गया, तो आग थोड़ी हो जाता, ये तो इस्तारा है। इस तरह ये जो मौजूदात है ये कोई शय नहीं, उनकी भी फिजिकल तौजीहात। ये हजरत मूसा जब पार हुए अपनी कौम को लेकर समंदर के, तो ये कोई मौजूदा नहीं था, ये कोई हजरत मूसा की ज़र्ब की वजह से फटा नहीं था समंदर, बल्कि वो तो मद्द व जज़र का मामला था, जिस वक्त समंदर उतरा हुआ था जज़र में था तो मूसा अपनी कौम को लेकर गुजर गए। जब फिरौन आया अपने लश्कर के साथ तो समंदर मद पर आ गया, चढ़ाया, लिहाजा वाला को तो मौजज़ात का इनकार। इन तमाम के अंदर ऐसी फिजा पैदा हो गई थी कि जो अकली और साइंटिफिक, अकली से आगे बढ़कर, एक तो अकली होता मंतकी, एक है अकली साइंटिफिक, कि उसके हवाले से जो चीज़ इस्लाम की फिट नहीं बैठी, जैसे कि आप कहते हैं राउंड पेग इन ए स्क्वेयर होल और स्क्वेयर पेग इन ए राउंड होल, अब स्क्वेयर पेग है राउंड होल है तो आपको उसके कोने तराशने पड़ेंगे तब वो उस होल में जाएगा, लिहाजा उन्होंने वो कोने तराशे। उसी के तर्ज पर फिर चले हैं जो आपको मालूम है अल्लामा मशरक़ी, उन्होंने भी जब शुरू किया अपना धंधा तो उनके पहले किताबचे क्या थे, मौलवी का गलत मज़हब नंबर एक, मौलवी का गलत मज़हब नंबर दो, मौलवी का गलत मज़हब नंबर तीन, छोटे छोटे किताबचे शाये कर रहे हैं, मौलवियों से उलमा से बरगश्ता कर दिए।
अब मालूम हुआ कि ये शख्स है मुजद्दिद वक्त, ये मौलवियों शौलवियों के पास तो कुछ नहीं है। इसी का मामला फिर वो इनकार हदीस की शक्ल में आया, जिनमें कि एक बड़ी शख्सियत जो है वो नाम गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद परवेज, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे सलाहियत दी थी, अच्छा इंशा बर्दाश्त था, लिखना अच्छा आता था, बोलता भी अच्छा था। तो जाहिर बात है फितना वही शख्स पैदा कर सकता है जो बासलाहियत हो, जिसमें कोई सलाहियत नहीं वो क्या फितना पैदा करेगा, वो ना दुनिया में कोई तरक्की करेगा, ना दीन में करेगा, ना फितना अंगेजी कर सकेगा। वो तो जैसा भी है मामला, आम मामूल जो है लोगों का, जैसी भेड़ चाल चल रही वैसे चल जाएगा। तो इस फिजा में असल में गुलाम अहमद परवेज ने जो डेरा लगाया वह वफात मसीह पर था। ये सब गलत है, ये कि मसीह जिंदा सब आसमान पर उठा लिए गए, कैसे मुमकिन है? मुमकिन है ये कोई अनहोनी बात है? साइंस इसको मान सकती है? वो तो असल में ठीक है, उनका कहना क्या है कि मसीह को सूली तो चढ़ाया गया था लेकिन वो उस पर मरा नहीं, फौत नहीं हुआ, मौत वाकई नहीं हुई। फिर जब उसको उतार लिया गया तो जख्मी था, मजरूह था, लेकिन था जिंदा। फिर उसको गैर में रख, गार में रख दिया गया। फिर उसके जो मोतकदीन थे उन्होंने उसकी मरहम पट्टी की, उसका इलाज किया, फिर वो ठीक ठाक होकर फिर वो वहाँ से चला गया, वहाँ छोड़ गया अपने उस शहर को, यरूशलम को, और उस मुल्क को, फिलिस्तीन को, और फिर वो आ गया कश्मीर में, और कश्मीर में वो फौत हुआ। उसकी कब्र मौजूद है, किसी कब्र की कोई पुरानी बोसीदा कब्र का नाम ले लिया, फलां कब्र जो है वो ईसा इब्ने मरियम की। ये है सारा मामला। अब जाहिर बात है कि चूंकि एक इंसान का जिंदा आसमान पर उठाया जाना, वो जो साइंसी जहन है वो उसको नहीं मानेगा। चाहे कुरान मजीद के अंदर तो खरके आदत और भी बहुत से हैं, आखिर असहाब कहफ 300 बरस तक सोते नहीं रहे, ये कोई साइंस के हिसाब किताब से सही है? या ये है कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 बरस तक मुर्दा रहे फिर जिंदा कर दिए गए, उनका गधा भी जिंदा कर दिया गया जैसा कि सूरह बकरा में आया, लेकिन उनका खाना जो है वो सही रहा, उसको मुसा नहीं, उसमें कोई बदबू नहीं आई। तो वाकयात होते हैं ऐसे, अल्लाह ताला जो चाहे करे, खरके आदत ठीक है, फितरी कानून जो भी है, जो लॉज ऑफ द नेचर अल्लाह ने बनाए हैं और उसके मुताबिक ही दुनिया चल रही है, लेकिन अल्लाह ताला के हाथ टूट नहीं गए, बंद नहीं हो गए, इख्तियार खत्म नहीं हो गया। मैं क्या करूं, मैं तो कानून बना बैठा, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो कानून बना सका चुका हूं कि आग जलाती है, अब अगर इब्राहिम को आग में डाल दिया तो मैं तो नहीं बचा सकता, इसलिए कि कानून है, वो मेरा बनाया हुआ कानून। लेकिन हम ये समझते हैं हमारा ईमान है अल्लाह ताला जो है वो कादर मुतलक है, वो जब चाहे अपने ही बनाए हुए किसी कानून को तोड़े। इसी को कहते हैं खरक़े आदत, खरक़े मानी होता है फाड़ देना, तोड़ देना। जैसे कि वो सूरह कहफ में लफ्ज़ आता है कि वो हजरत मूसा को जिनके पास भेजा गया था बुजुर्ग के पास, उन्होंने उस कश्ती का जिसमें वो सवार थे उसका एक तख्ता फाड़ दिया, तोड़ दिया, खरक़ा। तो खरक़े आदत, आदत से मुराद क्या, आम आदि कानून, लॉज, फिजिकल लॉज, केमिकल लॉज, जो भी दुनिया में चल रहा है बायोलॉजिकल लॉज, उनको जब चाहे अल्लाह तोड़े और अपनी खुसूसी मशीयत का उसके अंदर इजहार कर दे। अब इस सिलसिले में जो मैंने आयात आपको सुनाई हैं और इसी तरह की कुछ और आयात भी हैं, इनमें कादियानी ने और कादियानियों ने असल डेरा लगाया है लफ्ज़ वफात पर। असल में ये लफ्ज़ क्या है, जो लोग अरबी जबान से वाकिफ नहीं, उनको बड़ी आसानी वफात 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 ये तो आ गया, तवफ़ैतु तवफ़ैता मुतवफ़ी का, अह मूसा मैं तुम्हें वफात दे दूंगा, अल्लाह जब तूने मुझे वफात दे दी, वफात तो कुरान में है। फिर इसके होते हुए ये मुफस्सरीन को क्या हो गया, उनका दिमाग खराब हो गया था, ये तमाम मुहद्दिसीन जो है इतनी अकल भी नहीं थी उनकी। तो ये वो बात जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ असल में अरबी जबान का कायदा। अरबी जबान के अंदर एक से हरफी रूट होता है, उससे अल्फाज बनते चले जाते, मुख्तलिफ खानों में पानी है, पानी को आपने गिलास में डाल दिया कोई और शेप हो गई, कप में डाला कोई और शेप हो गई, अब तश्त में डाला कोई और शेप हो गई, शेप तो बदल जाएगी, है तो वही का वही पानी। तो इसी तरीके से बस्तन में मिसाल दे रहा हूँ आपको, आलेमा या आलम इल्म, किसी शे को जान लिया, आलमा यो लेमो एलामन, किसी को कुछ बता दिया, आलेमा खुद जान लिया, और आलमा योलेमो एलामन, किसी को कुछ बता देना।
अल्लमा युअल्लिमु तालीमन, किसी को कोई बात बड़ी अच्छी तरह ज़हन नशीन कराना, बार बार दोहराना, समझा देना, ये तालीम हो गई। तअल्लमा यतअल्लमु तअल्लुमन, खुद इल्म हासिल करना। अब आलिमा यालमु से आलिम बना, और अल्लमा युअल्लिमु से मुअल्लिम बना, और तअल्लमा यतअल्लमु से खुद इल्म हासिल करना, इससे मुतअल्लिम बना, मुतअल्लिम जो कि इल्म हासिल कर रहा है। इसी तरह इस्तेलाम, इल्म हासिल करना, किसी चीज के बारे में जिसे हिंदी में कहते जानकारी हासिल कर लेना, अवेयरनेस हासिल कर लेना। अब वही लफ्ज है इल्म। अब कहीं आप उसके मादे को दिखाकर और उसके मानी में उलट फेर करेंगे तो जो शख्स अरबी जबान से वाकिफ नहीं है वो तो नहीं जानेगा इसको। इसी तरह की मिसाल है वफा, वफा यफी, वका यकी, वफा यफी, औफा यूफी ईफान, वफा युवफी तौफियतन, तवफ़ा यतवफ़ा ताफ़ुन, और इस्तीफा। ये इसी तरीके से मैंने मिसाल आपको दे दी। वफा यफी के मादे से इस मस्तर से कोई लफ्ज़ कुरान में नहीं आया, लेकिन उर्दू में आपको मालूम है ना बड़ा प्यारा मिसरा है, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। भाई वादा वफा करो, वादा पूरा करो, इसके मानी है पूरा कर देना, किसी को कोई चीज़ पूरी दे देना। और इसके बाद औफा यूफी, इसके मानी भी वही है भरपूर, इससे बनेगा औफू बेअहदी ऊफ़ बेअहदिकुम। ये जो सूरह बकरा के पांचवें रुकू में आया है, यहूदियों तुम मेरे अहद को पूरा करो तो मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा, तुम मेरे अहद को पूरा करो, मैंने तुमसे अहद लिया था कि जो रसूल नबी उम्मी आएंगे, नबी रसूल उम्मी, उसको तुम्हें मानना है, उसका साथ देना है, औफू बेअहदी, अब उस अहद को पूरा करो, ऊफ़ बेअहदिकुम, तो मैं तुम्हारे साथ बरकात खैरात जैसी पहले रही अभी बाकी रखूंगा। वफा युवफी, पूरे एहतमाम से पूरा कर देना, किसी को दे देना चीज पूरे एहतमाम के साथ, जैसे अल्लमा युअल्लिमु, पूरे एहतमाम के साथ दर्जा बदर्जा एक बात जहन नशीन करना। युवफी इसका जैसे व इब्राहिम लजी वफा, जरा उस इब्राहिम का तस्करा करो जिसने सारे तकाजे जो अल्लाह के थे पूरे कर दिए, भरपूर, जो इम्तहान आया उसमें वो साबित कदम निकले। तवफ़ा या तवफ़ा, ये आया किसी शय को पूरा पूरा ले लेना। अब एक है पूरा पूरा दे देना, एक है पूरा पूरा ले लेना, एक है किसी को इल्म देना, अल्लमा युअल्लिमु तालीमन, किसी को पूरा देना, वफ़ा युवफ़ी तौफियतन, किसी से इल्म हासिल करना, ताल्लमा या ताल्लमु ताल्लुमन, किसी से पूरा पूरा ले लेना है, तवफ़ा या तवफ़ी, और इसी तरह इस्तीफ़ान, किसी से पूरा ले लेना। ये लफ्ज़ आया है वैलुल मुतफ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अला नास यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम व वज़नुहुम यख़्सिरून, हलाकत और बर्बादी है उन डंडी मारने वालों के लिए जो जब तोल कर लेते हैं तो पूरा लेते हैं, और जब देते हैं तो उसमें कमी कर देते हैं, डंडी मार जाते हैं। अला यदुन उलाय का नम अबूसून, क्या इन्हें याद नहीं रहा है कि ये दोबारा उठाए जाएंगे, अल्लाह के सामने खड़े होंगे, हिसाब होगा पूरा पूरा, पैसे पैसे का। तो ये मैंने आपको इस गर्दान से बता दिया कि एक ही लफ्ज़ जो है वो कितने मानी दे रहा है। मादा एक है, वफ़ा युवफ़ी पूरा कर देना, औफा युफ़ी पूरा कर देना, लेकिन तवफ़ा ये तवफ़ी पूरा ले लेना, इस्तीफा पूरा लेना, इज़ा कालू अला नास यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम व वज़नुहुम युख़्सिरून। अब देखिए इसमें कुरान मजीद जो है इसके ज़िम्न में सबसे जो फैसला कुन आए थे वो सूरह ज़ुमर की है, और ये जो मैंने पिछली मरतबा भी आपसे कहा था ला यातीहिल बातिलु मिन बैन यदै वला मिन खल्फे, कुरान पर बातिल हमला आवर हो ही नहीं सकता, न सामने से न पीछे से। अब देखिए ये सारी आयतें जिनमें हजरत मसीह का जिक्र है और वफात का लफ्ज़ जो है मुख्तलिफ सूरतों में इस्तेमाल हुआ है, इसमें सूरह ज़ुमर जो कि मक्की सूरत है उसमें है वो कांटेदार आयत जिससे मसला हल होता है। वो क्या है, वो मैंने आपको सुनाई है, अल्लाह यतवफ़ल अनफुस हीना मौतिहा,
अल्लाह कब्ज कर लेता है, ले लेता है नफ्स को उसकी मौत के वक्त, वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और जिसके मरने का वक्त नहीं आया, मरा नहीं है, उसकी नींद में ले लेता है। फयुम्सिकुल्लती क़ता अलैहिल मौत, तो जिसको तो जिस पर मौत का फैसला हो चुका है उसको तो रोके रखा है, मौत के वक्त लिया और रोके रखा। और वयुर्सिल उखरा इला अजल मुसम्मा, और जो दूसरे हैं जिनकी मौत का वक्त नहीं आया उनको मुअख्खर कर देता है, वापस कर देता है, लौटा देता है। अब सवाल ये, नींद में क्या चीज़ अल्लाह लेता है, क्या जान लेता है? जायज बात है नहीं, शऊर नहीं चला गया। एक है इंसान का शऊर, वही तो सबसे आलस है, सबसे ऊंची चीज तो वही है। ये शऊर खत्म हो गया तो इंसान कहाँ रहा? उसके नीचे जो कुछ है वो तहत शऊर है, सब कॉन्शियस माइंड। तो ख्वाब वाब जो होते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड के होते हैं, वो कॉन्शियस माइंड के तो नहीं होते। जो कॉन्शियसनेस है, शऊर जो है, और खासतौर पर खुद शऊरी, वो नींद में अल्लाह सल्व कर लेता है। तो महज शऊर के लिए भी वफात का लफ्ज आ गया। अभी तो जान यही है, जो सोया हुआ है वो मरा तो नहीं है, जिंदा है। अलबत्ता जब जिसको हम मौत कहते हैं वक्त आया तो शऊर भी ले लिया, जान भी ले ली, दो चीजें ले ली। हजरत ईसा पर पूरा इतलाक हुआ, मुजस्सम ईसा को ले लिया, शऊर भी ले लिया, जान भी ले ली और बदन भी ले लिया। तो गोया के लफ्ज तवफा का कामिल इतलाक तो सिर्फ ईसा पर हो रहा है। हम जब मरते हैं तो हमारा जिस्म तो यही रहता है, वो तो गया कब्र में, पूरा कब्ज नहीं किया उसने, पूरी शय को अपने कब्जे में नहीं लिया, जिस्म तो यही है। लेकिन ये कि मौत के अंदर जाहिर बात है कि जान गई, और जान ही असल चीज है। जब जान निकल गई तो ये क्या है, ये तो यूं समझिए कि अब ऐसी चीजें जल्दी से कब्र में दबा दो वरना ये सड़ेगी, गल जाएगी। और कब्र में भी क्या होगा, कीड़े वीड़े खाएंगे, खत्म करेंगे, इल्ला माशाल्लाह जिसको अल्लाह चाहे। हम भी आए किराम और शुहदा की जिस्मों को अल्लाह ताला ने महफूज रखा हुआ है, अल्लाह आलम। तो इस एतबार से तो अब तवफ़ा, अल्लाह यतवफ्फल अनफुसा हीना मौतेहा। अब लफ्ज़ का लफ्ज़ देखिए, ये कुरान मजीद में नंबर कितने मानी में आया। एक तो पूरा वजूद किसी का ये नफ्स है, मेरा नफ्स, नफसी नफसी नफसी, क्या होगा जब क़यामत के दिन हम बोल रहे होंगे। और जो अल्लाह के लिए भी लफ्ज़ आ गया नफ्स, नफ्स के मानी हम जब बोलते हैं आमतौर पर तो वो तो बुरे सच में बोलते हैं, भाई ये नफसी नफसिया नफसानी तकाजे हैं, इनको जरा दबा के रखो। लेकिन ये नफ्स युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह तुम्हें डराता है अपनी अपने आप से, यानी अल्लाह अपनी ज़ात से डराता है कि वो जहाँ रऊफ़ और रहीम है वहाँ पर वो अज़ाब देने वाला भी है, इंतकाम भी लेता है, शदीदुल इक़ाब भी है। तो ये भी हो गया नफ्स। फिर नफ्स जो है हम इसको भी कह देते हैं जो कि नफ्स की एक कैफियत है ख़ास, नफ्स लवामा, नफ्स अम्मारा, नफ्स मुतमईन्ना, या ये तो हर नफ्सुल मुतमईन्ना इरजेला रब के राज़ियतन मर्ज़िया। तो यहाँ पर क्या है, नफ्स मुराद पहला जो टुकड़ा है, अल्लाह ये तवफ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, शऊर जो है उसे उस पर लफ्ज़ नफ्स का इतलाक़ हुआ। और जब मौत होती है तो शऊर के साथ जान भी उसके अंदर शामिल, वो नफ्स का इतलाक हो गया उस पर भी। और असल में लफ्ज़ तवफ़ा जो है उसका हकीकी मफहूम अगर पूरा हुआ है इस मानी में कि पूरा का पूरा ले लेना, तो वो तो सिर्फ हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में है। शऊर जमा जान जमा जिस्म, वो सब के सब अल्लाह ताला ने ले ली। तो ये असल में इस आयत के ऊपर जो इन लोगों ने जोर लगाया है उसमें इस एतबार से कि ये लफ्ज़ वफ़ात जो है उसके ऊपर जो है आम तौर पर वफ़ात के मानी मानी है मौत है। हालांकि कुरान मजीद में मौत का लफ्ज़ भी तो आया है ना, इन द मौत है वल्लती लम तमुत, ये सारे अल्फाज मौत का लफ्ज़ भी तो आता है ना। लेकिन ये कि वफ़ात का लफ्ज़ भी है, कोई शक नहीं है, हुजूर की वफ़ात हो गई, फ़लाँ की वफ़ात हो गई, ये भी है। लेकिन ये उसका एक इस्तेमाल है, वफ़ा यफ़ी, औफ़ा यूफ़ी, वफ़ा युवफ़ी, तवफ़ा वफ़ी, इस्तीफ़ा यस्ताफ़ी, ये सारे अल्फाज उसी से वफ़ा के लफ्ज़ से बन रहे हैं। अब ये कि इसके ज़िम्न में
आखिरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। ये तो मैंने आपके सामने इस लफ्ज के हवाले से, क्योंकि सारा डेरा इस लफ्ज पर है उनका। देखिए, पहली बात अकली तौर पर यह है जो कुरान से साबित है, रसूल कभी कत्ल नहीं हो सकता और रसूल कभी मगलूब नहीं हो सकता। इसमें फर्क है नबी और रसूल का। नबी कत्ल हो सकता है, रसूल कत्ल नहीं हो सकता। अब यह अलग बहस है, नबी कौन होता है, रसूल कौन होता है। इसमें जो इजमा है तमाम उम्मत का वो क्या है कि रसूल खास है, नबी आम है। नबी बहुत आए हैं, 125,000 आए हैं बाज़ रिवायात की रूह से, रसूल बहुत थोड़े 313 हैं। कुरान मजीद में यूं समझिए कि 20 के करीब तो अंबिया का जिक्र है और 5-7 हैं जो रसूल हैं। हजरत नूह रसूल हैं, आदम तो रसूल नहीं थे, नबी तो थे। हजरत शीस रसूल तो नहीं थे, नबी तो थे। हजरत इदरीस रसूल तो नहीं थे, नबी तो थे। नबी तो रसूल जो है पहले वो तो हजरत नूह है, तो इस तरीके हजरत जो हूद हैं, फिर हजरत सालेह हैं। इस हवाले से नबी और रसूल के फर्क को समझिए। तो कुरान कहता है कतबल्लाहु लअग्लबन्ना अना व रसूली, अल्लाह ने तय कर दिया, लिख दिया है, मैं और मेरे रसूल गालिब आकर रहेंगे, रसूल मगलूब नहीं हो सकता। नंबर दो, वलकद सबकत कलिमतुना लिइबादिना अल-मुरसलीन अन्नहुम हुमुल मंसूरून व अन्न जुंदना लहुमुल गालिबून। ये बात हमारे तरफ से तय की जा चुकी है, पहले से तय हो चुकी है, पहले से मुअय्यन कानून है अपने उन रसूलों के बारे में जिन्हें हमने भेजा हो, रसूलों के, नबियों के बारे में नहीं, कि वही मंसूर होंगे, उनकी मदद की जाएगी लामोहाला, और हमारा जो लश्कर होगा यानी रसूल के साथ जो लोग होंगे वो अल्लाह का लश्कर है, वो हिजबुल्लाह है। वरना जुंदना लहुमुल गालिबून, लाजिमन वो गालिब होकर रहेंगे। ये दो चीजें जो है कुरान मजीद के अंदर, ये दो आयात नस से कतई है कि रसूल कभी मगलूब नहीं हो सकता, रसूल कभी कत्ल नहीं हो सकता। अब अजीब बात देखिए सूरह आल इमरान में, क्योंकि हजरत ईसा के साथ हजरत याहिया भी मौजूद है। हजरत याहिया हजरत मरियम के खालाजाद भाई थे, हजरत जकरिया के बेटे थे। सूरह आल इमरान और सूरह मरियम दोनों में आप देखते हैं कि पहले याहिया का जिक्र होता है, फिर ईसा का जिक्र होता है। ये हम असर भी थे, लेकिन यह कि सीनियर थे हजरत याहिया। लेकिन हजरत याहिया की मदह कुरान करते करते आखिरी बात क्या कहता है, नबीयम मिन सालिहीन, लफ्ज रसूल नहीं आया उनके लिए। और वहीं साइमल्टेनियस कंट्रास्ट है सूरह आले इमरान में हजरत ईसा के लिए, वो सारे उनकी मदह रसूलन इला बनी इसराइल, वो रसूल थे और वो नबी थे। नबी कत्ल हो गए, एक आबरू बाख्ता लड़की की फरमाइश पर कत्ल कर दिया, एक डांसर उसकी, उस पर बादशाह उस वक्त जो था, वो बादशाह क्या था, वो ऐसे बादशाह होते थे उस जमाने में जैसे हमारे यहाँ भावलपुर के जो है नवाब है, बादशाह तो अंग्रेज था, हुकूमत तो उसकी थी, लेकिन एक ऑटोनोमी सी दे रखी थी, राजे जो है राजा साहब हैं, महाराजा हैं, ये राजे महाराजे और नवाब जो होते थे ये एक ऑटोनोमी थी, बाकी ये कि असल में तो बादशाह जो है तो अंग्रेज की थी। तो इसी तरह की एक ऑटोनोमी जो है हुकूमत वहाँ उस वक्त थी असल में रूमियों की, उसका गवर्नर वहाँ मौजूद था पाइलेटस पोंटस, लेकिन यह कि उन्होंने यहूदियों को एक मजहबी ऑटोनोमी दे रखी थी। चुनाचे हेड्रिन उनका इदारा था दारुल कज़ा, जहाँ चोटी के उनके फुकहा और लीडर जो थे रबाई वो बैठते थे और फैसले करते थे। किसी मजहबी मामले में जो फैसला वो कर देते थे ये उनमें मुआहिदा था, वो फैसला जो है वो फिर एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो फैसला आखिरी होगा उनका। वो खुद तो सजा नहीं दे सकते, सजा तो गवर्नर देगा, लेकिन ये कि अगर हेड्रिन जो है उनका जो वो है इदारा टॉप का, वो अगर सजा दे दे सुना दे तो गवर्नर को वो सजा देनी पड़ेगी, ये उनका तय था मामला। तो उसने हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को मुर्तद करार दिया, जो हेड्रिन उनका सबसे ऊँचा इदारा था। इस एतबार से उनको जो है, लेकिन जैसा कि मैं बता रहा था कि हजरत ईसा रसूल थे, वो कत्ल नहीं हो सकते थे, मगलूब नहीं हो सकते थे, लेकिन हजरत याहिया नबी थे, उनको वही जो उस वक्त का जो यहूदियों में से जो बादशाह था नाम का, जो हेरोड एंटीपास, यूं समझिए कि उसने कुछ बहुत हरामकारी की हुई थी,
शायद अपने भाई की किसी बेवा को, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बगैर उसके कि वो इद्दत मुद्दत पूरी हो, फिर निकाह हो, उसे अपने घर में डाला हुआ था, और उसकी जो लड़की थी उसके ऊपर भी इश्क आ गया था, आपको दिल आ गया था, शादी भी करना चाहता था उससे, और उसका डांस था, उस पर कहा मांगो क्या मांगती हो। तो उसने कहा इसलिए कि हजरत याहिया जो है तनकीद करते थे बहुत कि ये तुम क्या हराम काम कर रहे हो, तुमने जिस तरीके से जिस औरत को घर में डाला हुआ है तुम गुनाह कर रहे हो, तुम शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हो। उसको कहा था यू डॉटर ऑफ सिन, उस लड़की को कहा था तुम जो कि गुनाह की बेटी हो। और वो बहुत वो नाराज थे, और वो मलका भी जो थी उस वक्त थी और ये उसकी बेटी भी बहुत नाराज थे। तो उन्होंने कहा मुझे बड़े वादा ले लिया कि देखो जो कह रहे हैं जो मांगूंगी मांगना पड़ेगा, मांगना हाँ मांगूंगा, मुझे याहिया का सर चाहिए। एक दफ़ा तो वो कांप गया, उसे अंदेशा था कि अगर याहिया को मैंने कत्ल कर दिया तो यहूदियों के अंदर हो सकता बगावत हो जाए। लेकिन फिर वो उसने फिर ताना दिया तुम कैसे बादशाह हो, अपना वादा पूरा नहीं करते। फिर उन्होंने कहा ठीक है, हुक्म दिया और वो जेल में थे पहले से ही, वहाँ गया और जो है उनका सर कलम किया, ला के पेश कर दिया। तो नबी जो है जिनकी बड़ी मदह हुई है सूरह मरियम के अंदर, जब आप पढ़ेंगे तो उनकी शान जो है, लेकिन नबी थे सिर्फ, रसूल नहीं थे। और हज़रत ईसा रसूल थे, रसूल कत्ल नहीं हो सकता, नबी कत्ल हो सकता। तो ये कायदा जो है वो भी कुरान ने इस साइमल्टेनियस कंट्रास्ट के हवाले से सूरह आले इमरान में हज़रत याहिया और हज़रत ईसा का तकाबुल करके बता दिया। तो एक तो बात यह है कि इस एतबार से मैं जो आपको आयत सुना चुका हूँ, ये जो जराइम जो है सूरह निसा के अंदर यहूदियों के अल्लाह ताला ने बयान किए हैं, उनमें से ये भी है वह कौल हम इन्ना कतल नल मसीह ईसा ने मरियम, और उनका ये कहना कितना बड़ा जुर्म है जो ये कह रहे हैं, हमने ईसा मसीह ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दिया। लेकिन यहाँ एक अजीब कैफियत है, रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल को, आमतौर पर इसकी कंस्ट्रक्शन को लोग समझे नहीं है, वो समझते शायद उन्होंने खुद ही कहा रसूलुल्लाह, उन्होंने तो रसूलुल्लाह कहते तो कत्ल कैसे करते, ये अल्लाह ने कहा। अच्छा, इनका कहना यह है कि अल्लाह के रसूल को कत्ल कर दिया। वक़ौलुहुम इन्ना कतलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह, इनका यह कहना कि हमने ईसा इब्न मरियम को, मसीह को कत्ल कर दिया, वो अल्लाह के रसूल को। वमा कतलूहु वमा सलबूहु, उन्होंने ना उसे कत्ल किया न सूली पे चढ़ाया, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, बस मुशाबहत पैदा कर दी गई उनके लिए, शुबे में डाल दिया गया उनको। वइन्नल लज़ीन इख्तलफू फीहि लफी शक्किम मिन, और जो लोग इख्तलाफ कर रहे हैं उनके बारे में वो बस शकूक में मुबतला है। मा लहुम बिही मिन इल्मिन, उनके पास कोई इल्म नहीं है, इल्ला इत्तिबा ज़न, सिर्फ गुमान की पैरवी कर रहे हैं। वमा कतलूहु यकीदा, और हरगज कतल नहीं किया। ये क्लियर सूरह निसा की आयत नंबर 157 है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, फिर कौन कत्ल हुआ? वाकया तो हुआ है, सूली का वाकया हिस्टोरिकल वाकया है, फिर कौन सलीब पे चढ़ा? हजरत ईसा तो सलीब पर नहीं चढ़ सकते, इसलिए कि सलीब की मौत को समझा जाता था बहुत जिल्लत की मौत है, बहुत हिकारत की मौत है, बहुत मलऊन मौत है। तो जब ईसा मगलूब नहीं हो सकते तो सलीब पे कैसे चढ़ा दिए जाएंगे? कत्ल होना तो बाद में होगा ना, पहले तो आप सलीब पर लटकाएंगे उसको ना, तब वो जब मरेगा तो कहेंगे कत्ल भी हो गया, हमने कत्ल कर दिया। सलीब क्या होती थी ये मालूम है आपको? एक लंबी लकड़ी, एक जो है ट्रांसवर्स आ जाएगी उसके ऊपर, और उसमें से ये है कि उसके दोनों, एक शख्स के जो है दोनों हाथ वो नेल कर दिए जाते थे, ये जो ऊपर जो है क्रॉस का जो निशान है वो कीलें ठोक कर लगा दिए गए, और पांव दोनों जो है वो पैरों के अंदर कीलें ठोक कर वो उस लंबी लकड़ी के साथ जो नीचे से आ रही है उसमें लगा दिए। अब वो ब्लीडिंग हो रही है, उसका जो हाल है पतला हो रहा है, उसका रफ्ता रफ्ता सिसक सिसक कर मरता है ना, इसीलिए उसे कहते हैं बड़ी मलून मौत है। एक है आपने फांसी दी किसी को, एक झूला झूलता है मर गया, खत्म हो गया। आजकल तो क्या होता है, कुर्सी पे बिठाया जरा करंट छोड़ा और गए साहब, को टीका लगाया पता ही नहीं चला और पीटी के किसान आदमी मर गया। तो ये भी होता है, लेकिन यह कि बदतरीन मौत जो है सलीब की मौत है। तो ये वाकया तो हुआ है सलीब का, लेकिन ये कि कौन मरा? अब देखिए ईसाइयों का कहना क्या है,
ईसा सलीब पर चढ़े, वहाँ फौत हो गए, मर गए, फिर उन्हें निकाला गया, एक कब्र में रख दिया गया। लेकिन कब्र वो जो थी उस तरह नहीं थी ज़मीन में खुदी हुई, बल्कि एक पहाड़ के अंदर एक छोटा सा खो था, गार सी वहाँ रख दिया गया। लेकिन वहाँ से वो जिंदा हो गए। अगले दिन जब लोग आए तो देखा वो कब्र तो खाली है, ईसा कहाँ गए। वो जिंदा होकर आसमान पर उठा लिए गए, और आसमान पर जाने से पहले वो अपने हवारीन से मिले भी थे, कहा मैं जिंदा हूँ। ये है उनका अकीदा। और उसके बाद ये भी अकीदा है कि दोबारा आएंगे, क़यामत के करीब आएंगे, ये भी अकीदा। हमारा अकीदा क्या है? न सूली पर चढ़े न कत्ल हुए, बल्कि अल्लाह ने उन्हें उठा लिया। बल रफ़ाउल्लाहु इलैह, अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया। जैसे कि आता कुरान में, या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का व राफ़ियों का इलैया, ऐ ईसा मैं तुम्हें कब्ज़ कर लूँगा, कब्ज़े में अपने ले लूँगा और अपनी तरफ उठा लूँगा। राफ़ियों का इलैया, ये कुरान मजीद का कौल है। अलबत्ता ये हमारा भी अकीदा है कि वो दोबारा आएंगे। वइन्नहु लइल्मुल लिसाअ, वो क़यामत की एक अजीम तरीन निशानी होंगे कि जब वो आएंगे, और उसके बाद जो है या जो जो एंटी क्राइस्ट होगा कि जो कि झूठा ईसा होगा, झूठा दावा करेगा, जिसे कि मसीह दज्जाल कहा गया, उसके साथ मुकाबला होगा, उसे कत्ल करेंगे और तमाम यहूदी उसके बाद कत्ल हो जाएंगे जो भी उस वक्त तक कुफर पर कायम रहेंगे। अगर उनमें से कोई उस वक्त हजरत ईसा पर ईमान ले आए तो वो शायद बच जाए। बहरहाल ये है यहूद, इनका जो है कादियानियों का वो अकीदा क्या है? सूली पर तो चढ़ा, गोया कि जिल्लत वाली बात तो हो गई, मगरूब तो हो गया। कुरान की नफी उस पहले क्यों? वमा सलबू वमा कतलू, तो गोया के सूली पर चढ़ गया तो वो बुदतरीन जो है तकलीफ मुसीबत मुशक्कत वो सारी तो आ गई, मगलूबियत तो आ गई, लेकिन ये कि उसके बाद कहते हैं मरा नहीं वो, अभी वो सिसक ही रहा था कि उतार दिया गया। उसके बाद उसके जो शागिर्द थे हवारी थे उन्होंने मरहम पट्टियाँ की, फिर वो ठीक होकर चला गया कहीं और, हिजरत कर गया अपनी कौम से जो उनके ख्याल में कश्मीर है, और यहाँ आकर वो अपनी तभी मौत मर गया। बात अल्लाह अल्लाह ख़त्म हुआ मामला। हम क्या कहें? हम तो सिर्फ ये कहते रहे हैं, 1300 बरस तक हमने ये कहा है कि हमारा ईमान है कुरान पर कि उन पर न सलीब दिए गए न कत्ल हुए, उन्हें उठा लिया गया। कब उठाया ये हमें मालूम नहीं था, किस मरहले पर उठाया ये हमें मालूम नहीं था, फिर सूली पर कौन चढ़ा ये हमें मालूम नहीं था। लिहाजा किसी तफसीर में आपको नहीं मिलेगा, कहीं नहीं, न कुरान में है न हदीस में है न किसी तफसीर में। ये तो पिछली सदी के दौरान जो पोप की लाइब्रेरी वेटिकन में, उससे एक नुस्खा बरामद हुआ इंजील बरनबास। अब ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इंजीलें 104 थीं जिनमें से चार जो है सिलेक्ट की गई हैं, 100 इंजीलें और हैं जिन्हें वो एपोक्रिफल कहते हैं, गैर मुस्तनद इंजीलें, एपोक्रिफल। और ये है कैनोनिकल कानूनी, ये है कि जो मुस्तनद हैं चार, लेकिन जो 100 और हैं उनमें से एक ये भी है बरनबास। और बरनबास के बारे में ईसाई मानते हैं कि वो भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारीन में से एक थे, वो इंजील निकल आई, अब वो छप भी गई है। कराची में एक इदारा है ख़ास तौर पर, बावानी जो सेठ हैं उनका बनाया हुआ इदारा है, तो वही छापते भी हैं। एक ज़माने में तो काफ़ी तकसीम भी कर रहे थे, अब मुझे मालूम नहीं। उसने सारा किस्सा बयान किया। किस्सा क्या है? बहुत दिलचस्प किस्सा है पूरी तफसील से। एक शख्स जो कि हजरत मसीह के हवारीन में शामिल हो गया वो था यूडास इस्करियोट। ये शख्स असल में था एक जेर जमीन तंजीम वहां चल रही थी, जीलॉट्स अंडरग्राउंड मूवमेंट, ताकि हम रोमनों की हुकूमत यहां से खत्म करें और अपनी पूरी हुकूमत और आजादी हासिल करें। उनमें से ये भी था, उनका सरगना था बरबस, बराबा, बराबा डाकू उसे कहा जाता है, बरबस। जाहिर बात है कि कानून शिकन था तो डाकू ही था ना। अच्छा, इनमें से ये शख्स जो है, इसने यूडास ने हजरत ईसा के मौजदे देखे बहुत, और इतना यकीन हो गया उसे कि ये शख्स जो है ईसा, ये एक मरतबा अगर रूमियों पर लानत भेज दे, कर्स कर दे, तो रूमी खत्म हो जाए। लेकिन उनसे कई दफा जो है फेर डालकर, हेर फेर के साथ कोशिश की गई कि रूमियों के खिलाफ वो कोई जो है वो लानत मलामत कर दे, वो नहीं करते थे। ये एक अलग बात है क्यों नहीं करते थे, ये इस वक्त मेरा मौजूद नहीं है,
मिनहाज ईसवी क्या था, मिनहाज मूसवी क्या था, मिनहाज मोहम्मदी क्या था, इनमें फ़र्क है। लेकुल्लिन जालना मिनकुम सिर आतम व मिनहाजा, सूरह मायदा भी आया, तमाम रसूलों के लिए हमने एक एक मिनहाज एक एक शरीयत अलग अलग दी है। बहरहाल मिनहाज ईसवी कुछ और था, तो ये नहीं कहते थे। अब उसने क्या किया कि वो अपने डाकू सरगने से इजाज़त लेकर इनके हवारीन में शामिल हो गया, एतमाद हासिल किया और बार बार कोशिश की कि ये बददुआ दे दें, रूमियों को नहीं दी। अब उसने सोचा कि इन्हें अगर ज़ाती तौर पर तकलीफ़ पहुँचेगी तो ज़बान से कलमा निकल ही जाएगा ना, कोई लानत का। उसने पकड़वाया हज़रत ईसा को, क्योंकि जब ये फैसला हो गया था उनके कत्ल का, हेड्रन जो है इदारा वो दे चुका था, उसका फतवा था ये वाजिबुल कत्ल है, ये मुर्तद है, लिहाजा इसको कत्ल कर दिया जाए। और ये फैसला जो है वो रूमी गवर्नर तक पहुंचाया जा चुका था। रूमी गवर्नर ने यहाँ तक का, ये सेंट जो मत्थी की इंजील है उसमें मौजूद है, भाई हमारे पास तो उसका कोई जुर्म नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसी बात उसकी नहीं है जिससे कि हम उसे वाजिबुल कत्ल करार दें। उनका नहीं, हमारा हुक्म है, हमारा फैसला तुम्हारा तय है, चाहे मजहबी मामले में कोई फैसला हमारा होगा तो तुम्हें जो एग्जीक्यूट करना होगा। बहरहाल उस वक्त हजरत मसीह रूपोश हो गए गिरफ्तारी से बचने के लिए, एक बाग में थे वो, वहाँ पर रात के वक्त उन्होंने अपने हवारीन के साथ लास्ट सफ़र कहते हैं इसको, लास्ट सफ़र खाना खाया, आखिरी खाना था। और उसके बाद उसने फरमाया आज की रात तुम में से एक मेरे खिलाफ गद्दारी करेगा। ये कहकर हजरत मसीह तो एक कोठड़ी में चले गए जो होती है बागात बाग के अंदर, कोई खुरपे उरपे जो है कोई वहाँ पे कस्सियाँ रखी हुई, तो उसमें खुद जाकर इबादत में मसरूफ़ हो गए। अपने हवारीन से कहा कि तुम भी इबादत करो, वो हवारीन सो गए। अब ये इसका रियॉट जो है ये उठा, ये गया रूमियों से जाकर कहा मैं पहुँचा देता हूँ ईसा तक, पकड़वा देता हूँ, आओ मेरे साथ। 30 उनके आदमी आए, उससे कहा बाग के बाहर खड़े रहो तुम, मैं अंदर जाऊंगा थोड़ी देर के बाद, तुम आना जिसे मैं कहूँ ऐ मेरे उस्ताद, पकड़ लेना उसी को। यानी रोमन्स को मालूम नहीं था कि ये कौन है ईसा, लेकिन ये कि तो यहूदियों को मालूम था ना सब कुछ। हुआ क्या कि वो जब अंदर आया है और कोठरी में दाखिल हुआ, उसी वक्त उसकी शक्ल बदल दी गई हजरत मसीह की, शुभ हाल लहू मुशाबियत पैदा कर दी गई, शबीह बदल दी गई, और छत फटी, चार फरिश्ते उतरे और हजरत मसीह को लेकर आसमान पर चले गए। तो गिरफ्त बाहर आया वो, तो जैसे ही वो ये बाहर आया वो बाकी हमारी जान गए हमारे उस्ताद, उसी वक्त जो है वो रूमी दाखिल हो गए, वो पकड़ लिया। तो असल में गिरफ्तार हुआ है बरनबास की इंजील के मुताबिक यूडास इस्करियोट, वो सूली चढ़ा है, लानती मौत उस पर आई। क्यों आई है? गद्दारी की उसने, बिट्रे किया हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को, तो वो तो मुस्तहिक था, कोई जुल्म नहीं था। अगर ईसा की जगह किसी और को दे दिया जाता ऐसे किसी को पकड़कर, तो वो तो जुल्म हो जाता ना, उसका तो कोई जुल्म नहीं था, तो ये तो वाकई मुजरिम था। वो सूली चढ़ा है और हजरत ईसा को उठा लिया। ये है वो सारी तफसील जो कि इंजील बरनबास के अंदर मौजूद है, द गॉस्पल ऑफ अवर लॉर्ड अकॉर्डिंग टू सेंट बरनबास, ये उसका नाम है, इवेंजिलियम बरनाबे, ये जो है यूनानी जबान में उसका नाम है या लैटिन में। बहरहाल ये है मुआबला। तो पहली बात तो ये है कि अकली तौर पर रसूल ना मगलूब हो सकता है ना कत्ल हो सकता है, हमारा अकीदा है वाह माँ सलबू है माँ कतलू। लेकिन ये कि अगर यहूदी अगर जो कादियानी मानते हैं सूली चढ़ गए तो सलीब तो हो गई, कुरान की नफी तो हो गई, हाँ मरा नहीं, ये दूसरी बात है। दूसरी बात यह है कि रसूलों के बाब में अल्लाह का कानून क्या है। अगर किसी कौम की तरफ रसूल को भेजा और उस कौम ने बहसियत मजमूई इनकार कर दिया, रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, पूरी कौम हलाक, और रसूल और उसके जो चंद साथी ईमान ले आते थे वो वहां से हिजरत करके चले जाते थे। लेकिन हिजरत करके जाते थे तो उसके बाद किसी और मकाम पर करेंगे अहले नजर ताज़ा बस्तियां आबाद, फिर वहां पर एक और उन्होंने जो है अपना मरकज बनाया, एक नई उम्मत खड़ी हो गई। इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है? कौम आद खत्म हुई हजरत हूद अलैहिस्सलाम को रिजेक्ट करने के बाइस हलाक कर दी गई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर
یہ قوم عاد تھی عرب کا جزیرہ نمایاں عرب کے جنوبی علاقے کے اندر جو اب صحرا ہے, بہت بدترین صحرا ہے, عرب الخالی جسے کہتے ہیں, خالی ہے, وہاں کوئی زندگی کے آثار ہیں ہی نہیں, نہ کوئی پتیاں ہیں, نہ کوئی گھاس ہے, نہ کوئی انسان ہے, نہ کوئی حیوان, کچھ نہیں. عرب الخالی بدترین صحرا ہے. وہ صحرا ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے, جو چیز اوپر ہوگی وہ دھستی چلی جائے گی, اندر چلی جائے گی. ورنہ عام صحرا کے اندر ریت کے اوپر اونٹ بھی چلتا ہے, انسان بھی چلتے ہیں, لیکن اس میں نہیں. تو یہاں پر قوم عاد جو ہے آباد تھی, اور اب جو ہے وہ سیٹلائٹ سے دیکھ لیا گیا ہے کہ قوم عاد کا جو بڑا بادشاہ تھا شداد, اس نے جو جنت بنائی تھی وہ موجود ہے, زیر زمین اسی صحرا کے نیچے دفن شدہ موجود ہے, جس کو کہا گیا ہے الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ایسے ایسے ستونوں والا جیسے پہلے کبھی پہلے دنیا میں بنے ہی نہیں تھے. وہ قوم عاد تھی, بڑی زبردست قوم تھی, قوم جبارین, لیکن یہ کہ اس کے بعد ہلاک ہو گئی. اب حضرت ہود اپنے مسلمان ساتھیوں کو لے کر نکل گئے, جزیرہ نمایاں عرب کے مغربی کونے میں جا کر شمال مغربی کونے میں آباد ہو گئے. وہاں ایک نئی قوم پیدا ہوئی سمود, اب یہ اسلامی بستی بن گئی. لیکن اس کے اندر بھی پھر بعد میں زوال آیا, پھر وہاں نبی بھی آئے, لیکن اس کے بعد یہ کہ آخری رسول بھیجے گئے حضرت صالح, اور وہ بھی ہلاک ہوئے کیونکہ حضرت صالح کو انہوں نے رد کر دیا. تو یہ میں نے مثال دی ہے آپ کو کہ رسول جو ہے وہ وہاں سے اگر ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کر کے وہ یہ نہیں جان بچا کے جا کے گمنامی میں کہیں مر گیا, وہ تو جا کر اپنے ساتھیوں کو لے کر جائے گا, اور جا کر جو ہے وہاں پر جو ہے ایک نئی جگہ پر آباد ہوگا, ایک نئی تہذیب ابھرے گی. تو یہ تو نہیں ہوا, یہ گمنام ہو کر آ کر کشمیر میں مر گیا, تو اس کی کیا حیثیت ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا تو اگر ہجرت کرتے, یا جب انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میرے قتل کا فتویٰ ہو گیا ہے, تو آپ وہاں سے ہجرت کر سکتے تھے, لیکن اپنے ساتھیوں کو تو لے کر جاتے نا, اپنے حواریین کو لے کر جاتے, اور کہتے ہیں 12 حواریین کے علاوہ اور بھی کوئی 70 کے قریب لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے, ان کو لے کر جاتے, کسی جگہ جا کر آپ آباد ہوتے, وہاں ایک نئی جو ہے بستی بنتی, وہاں مسلمانوں کی ایک آبادی ہوتی. تو ان میں سے تو کوئی شے بھی نہیں ہوئی, بات ہی ختم ہوئی. لہذا عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی, خلاف عقل ہے, قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے کہ وہ پھولی چڑھے ہوں لیکن مرے نہ ہوں, پھر اتر گئے تو مرم پٹی کر دی. اچھا کیا رومنوں کو اور یہودیوں کو پتہ نہیں چلا کہ مریم پٹی ہو رہی ہے اس کی اور عیسیٰ مرا نہیں ہے؟ اگر ان کے پتہ چل جاتا تو کیا وہ چھوڑ دیتے؟ اب مرہم پٹی کے بغیر تو بارہ جو شخص سولی پر لٹکا رہا ہے وہ تو تقریباً مردہ ہی ہوتا ہے نا. وہ کہ چلیے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا امکان ہو کہ اس کی نبض ابھی چل رہی ہو اور وہ اتار لیا جائے اور مرہم پٹی کر لی جائے تو بچ جائے, لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد وہ اگر وہاں سے ہجرت کرتے تو وہاں سے وہ اپنے حواریین کو لے کر جاتے اور کسی نئی جگہ پر جا کر آباد ہوتے. ان دونوں اعتبارات سے یہ بات ناقابل قبول ہے, ناقابل یقین. لیکن اسی مسئلے کو لے کر انہوں نے جو جیسا کہ میں نے بتایا تھا وفات ہو گئی, کیسے ہو سکتا ہے ہمارے نبی جو سید المرسلین ہیں وہ تو زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ جو آسمان پر اٹھا لیے گئے, یہ کیسے ہو سکتا؟ بس اس کے اوپر عام لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے, اور خاص طور پر وہ سائنٹیفک مائنڈ جو بن گیا تھا, تو چونکہ سائنس کے اس خاکے کے اندر وہ بات فٹ نہیں بیٹھتی, لہذا ان لوگوں نے اس کو قبول کیا. اب یہ کہ یہ جو واحد استثناء ہوا ہے یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا. ویسے حضرت مسیح کی پوری شخصیت مستثنا ہے, بن باپ کے تو کوئی اور رسول پیدا ہوا ہی نہیں, نہ نبی پیدا ہوا. پھر وہ معجزے جو حضرت مسیح کو ملے کسی نبی کو نہیں ملے. حضرت صالح کو ایک ہی معجزہ ملا تھا نا, ایسا کہ لوگوں نے کہا کہ تم یہ اس چٹان میں سے ابھی ایک گابن اونٹنی برآمد کر کے دکھا دو, وہ دکھا دی گئی, پھر ہلاک کر دیے گئے. لیکن جو اور معجزے حضرت مسیح کو دکھائے ہیں وہ بچپن میں بولے ہیں, گود میں تھے یا پنگھوڑے میں تھے بولے ہیں, انی عبد اللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. یہ بات نہ ہوتی تو حضرت مریم کے کیا حشر کرتی قوم کہ تمہاری بغیر شادی کے یہ کہاں سے لے آئی ہو تم, یہ تو ولد الزنا ہے. پھر تو یہ سارا معاملہ جو ہے حضرت عیسیٰ بولے ہیں وہاں پہ, خود وہ بچہ بولا ہے. اب اس کے بعد بولنے کی لوگوں کے اندر کیا گنجائش تھی؟ زندہ کو مردہ کر دینا, خوب میں اس دن رہا مردہ زندہ ہو گیا, اور تخلیق حیات ایک پرندہ بنانا, گارے کا پھونک مارنا اور اڑتا ہوا پرندہ بن جائے, ایک کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرنا اور کوڑ ختم, ایک مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرنا اور بینائی آ گئی. یہ سارے معجزات, مستثنا شخصیت.
इनका ये इस्तिस्ना क्यों किया गया, ये बड़ी तल्ख बात है, ये याद कर लीजिए। क्योंकि या तो कौम उसी वक्त हलाक कर दी जाती, जैसा कि हुआ कौम नूह, कौम हूद, कौम आद, कौम समूद, कौम शुएब, ये हुआ कि नहीं हुआ, और सदूम और आमूरा की बस्तियां जहां हजरत लूत भेजे गए, और आले फिरौन जो हलाक किए गए, या तो पूरी कौम हलाक की जाती, नहीं, ये यूं समझिए कि इस पूरे मामले को दरमियान में से एक वक्फा दे दिया गया, हजरत ईसा को उठा लिया गया, और हजरत ईसा दोबारा आएंगे, ये क्यों किया गया। अब इसमें मैं बड़ी तल्ख बात आपसे कह रहा हूं, ये आपके लिए कबूल करना आसान नहीं, हलक से नीचे उतरेगी मुश्किल से। इस कौम को जिंदा रखा गया है जो मलऊन और मंजूब अलैहिम कौम है। सब सूरह फातिहा में मुफस्सरीन लिखते हैं दालीन ये नसारा है और मग़ज़ूब अलैहिम ये यहूदी है, और कुरान कहता है लुइना अल्लज़ीन कफ़रू मिन अल-किताब अला लिसान दाऊद ईसा बिन मरियम, लानत की गई एक मलून और मग़ज़ूब कौम के हाथों आखिरी उम्मत उम्मत मोहम्मद और उसका भी बेहतरीन हिस्सा, उस पर अज़ाब उनके हाथों आएगा, अरबों पर अज़ाब यहूदियों के हाथों, इसलिए इनको बचाया गया। ये मैंने कई दफ़ा वाक़या सुनाया, मौलाना इस्लाही साहब बताया करते थे, क्योंकि वो राजपूत थे, यूपी के राजपूत मशरक़ी हिस्से के, कि हमारे यहाँ कोई नौजवान अगर कोई बड़ी गिरी हुई हरकत करता था तो उसके सर पर चमार के जरिए, चमार के हाथों जूता लगवाया जाता था। अगर राजपूत के सर पर राजपूत का जूता गिरा तो चलो तकलीफ तो हुई, लेकिन यह कि राजपूत का जूता गिरा है ना, पड़ा है, लेकिन राजपूत के सर पर चमार का जूता, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, वो तकलीफ भी है जूता खाने की और इंसल्ट है कि चमार मार रहा है। ये उम्मत सबसे खैर उम्मत है, कुन तुम खैरा उम्मत खुरजत लिन्नास, इसके लिए अजाब भी बदतरीन आएगा, और किन पर आएगा, इस उम्मत का जो असल न्यूक्लियस है अरब, जिसके बारे में हुजूर की हदीस मौजूद है, वैलुल लिल अरब, अरब के लिए बहुत बड़ी हलाकत है, और आज हमारी नजर में आ रहा है वो मलऊन और मग़ज़ूब अलैहिम कौम, उनके सीने के अंदर खंजर की तरह भोंकी गई है, और 30 करोड़ के करीब अरब बेहमियती, बेगैरती, बुजदिली, कमजोरी, जिल्लत, मस्करत की मिसाल बने हुए, कोई बोल सकता है उस इसराइल के खिलाफ, कोई बोल सकता है? 30-35 लाख आदमी है इसराइल के अंदर यहूदी, उससे ज्यादा तो अमरीका में 50 लाख के करीब, कुल 1.25 करोड़ आदमी है ये यहूदी पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन देखिए जो चाहता करता है, जब चाहा उसने इराक के एटमिक इंस्टॉलेशन को तबाह कर दिया, और सऊदी अरब की फिजा में उसको फ्यूल कर किया है उन्होंने, दोबारा रिफ्यूलिंग जो हुई है उनके जहाजों की, वो सऊदी अरब की फिजा में हुई। ये सूरत जो है अरबों के ऊपर, और अब जो आना है आर्मगेदान, क्योंकि पूरी ईसाई दुनिया यहूदियों के कब्जे में है, और ये रूमी एक हदीस की रूह से 80 अलम लेकर हमला आवर होंगे तुम पर, और ये होगा मिडल ईस्ट में। आपको मालूम है पूरी दुनिया में कहा जा रहा है 3rd World War जो होने वाली है वो मिडल ईस्ट में होगी, और मैं टॉइनबी का कॉल आपको सुना चुका हूं, 1950 का कॉल है उसका ये। उस वक्त तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, सारा तसादुम जो हो रहा था वो एक तरफ रूसी और उसके साथी थे, रूस और उसके साथी, दूसरी तरफ ये मगरबी यूरोप और अमरीका था, कोई मुसलमानों और ईसाइयों के किसी जंग का तो कोई इम्कान नजर ही नहीं आता था। लेकिन अटाइन भी ने कहा है, जो सबसे बड़ा फिलोसोफर ऑफ हिस्ट्री है 19वीं सदी का, कि अब जो जंग होगी बड़ी, जो इस नेक्स्ट सेंचुरी की 21st सेंचुरी की, वो दर हकीकत कम्युनिज्म के दरमियान और कैपिटलिज्म के दरमियान नहीं होगी, बल्कि ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान होगी। ये मैं उसका हवाला भी पूरा आपको दे चुका हूँ, उसने कहाँ ये बात कही, तो ये है, ये बात जान लीजिए। अब मिडल ईस्ट में होगी, ग्रेटर इसराइल बनेगा, बनेगा, हदीस में खबरें, ये सारे मुसलमान ममालिक तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे मुसलमानों, ये इराक और उर्दन और ये और वो, यहाँ तक कि तुर्की, सऊदी अरब का भी शिमाली हिस्सा निकल जाएगा, अलबत्ता मदीने का जो इनका प्रोग्राम है उसको अल्लाह ने पूरा होने देगा, मदीने में दाखिले की इनको इजाज़त नहीं मिलेगी। बहरहाल ये सारा कुछ होने वाला है, वो वक्त भी आने वाला है कि हुज़ूर की एक हदीस के मुताबिक एक शख्स के 1000 बेटे होंगे तो 999 खत्म हो जाएंगे एक बच्चे का। यह वक्त भी आने वाला है कि हुज़ूर फरमाते हैं इतनी बड़ी जंग होगी, इतनी खुरेजी होगी,
कि पूरी जमीन अट जाएगी लाशों से, तो परिंदा जो है कोई, एक तो परिंदे होते हैं कि जो मुर्दार खोर है, गिद्ध है, वो तो बड़ी खुशी से उतरेंगे, तनावुल फरमाएंगे लाशों को, इसी तरीके से कौवे हैं, चीले हैं, लेकिन जो निफासत पसंद परिंदे हैं वो लाश के ऊपर उतरना नहीं चाहते। तो एक परिंदा उठता चला जाएगा, उसे कहीं जमीन पर उतरने की जगह नहीं मिलेगी, लाशें ही लाशें होंगी, यहां तक कि वह थक हार कर उसके जो है पर जवाब दे जाएंगे, गिरेगा तो लाश पर गिरेगा। ये वक्त आने वाला, और यह यहूदियों के हाथ में, या यहूदियों के जो सपोर्टर्स हैं इस वक्त, जो उनके हाथ में आलाकार है, उनके हाथों आना है। मेरे नज़दीक इस काम के लिए इस मलऊन कौम को, कि जो हज़रत ईसा के ज़माने से मलऊन हो चुकी है, इसको बाकी रखा गया है, इसे ये मौका दिया गया है, उसने इसराइल बना लिया है। तकरीबन 2000 साल के बाद वो दोबारा आकर आबाद हुए उस सरजमीन में जहाँ से निकाल दिए गए थे 70 ईस्वी के अंदर। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? तो दर हकीकत मेरे नज़दीक अल्लाह आलम हिकमत खुदाबंदी इसमें यह है, उन्हें रोक कर रखा गया है और हज़रत ईसा को उठा लिया, फिर वही ईसा आएंगे और उन्हीं के हाथ में ये हलाक होंगे, सिवाय उसके, क्योंकि जो एक मैंने आपको कई दफ़ा हवाला दिया है, फिलाडेल्फिया ट्रम्पेट एक रिसाला निकलता है प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का, उन्होंने ये लिखा है, उसने लिखा है एक पर्चे के अंदर कि जब हज़रत मसीह आएगी एंटी क्राइस्ट होगा, वो लिखा उसने कि वो यहूदी होगा, हालांकि वो प्रो यहूदी है। वो जितने भी ये जो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं, ये तो यहूदियों से बढ़कर ज़ायनिस्ट हैं, उनके बड़े सपोर्टर्स हैं। तो लेकिन उसने लिखा है एंटी क्राइस्ट विल बी ए ज्यू। अभी कुछ अरसे पहले आपको याद होगा नॉस्ट्रेडेमस का बड़ा चर्चा हो गया था, उसकी जो है वो पेशन गोइयाँ और ये कि मुसलमान होगा एंटी क्राइस्ट, और सद्दाम के बारे में इशारे किए जा रहे थे कि वो एंटी क्राइस्ट होगा वगैरह वगैरह। लेकिन इन्होंने लिखा है कि वो एंटी क्राइस्ट यहूदी होगा, और उसने लिखा 80% यहूदी कत्ल हो जाएगा। ये मैंने एक तावील की है अपने जहन में कि 20% शायद वो हो जो हजरत ईसा की जो सेकंड कमिंग है आमद सानी के मौके पर उन पर ईमान ले आए और वो बच जाए, लेकिन जो भी हजरत ईसा का इनकारी होगा वो ख़त्म कर दिया जाएगा, जैसे कौम नूह ख़त्म हुई, कौम हूद ख़त्म हुई, कौम आद ख़त्म हुई, कौम साले ख़त्म हुई, इसी तरीके से। तो ये कानून खुदाबंदी पूरा होना है, बस ऐसे ही है जैसे किसी को फांसी का हुक्म तो हो गया हो लेकिन अभी एग्जीक्यूशन ना हुई हो, होता है 2-2 साल 3-3 साल गुजर जाते हैं कि फांसी का हुक्म है लेकिन ये क्या वो फांसी नहीं हो रही है, वह अपीलों दर अपीलों मामला चल रहा है। ये है मेरे नज़दीक वल्लाह आलम अल्लाह ताला ने ये कोड़ा उन मुसलमानों के लिए रखा हुआ है, क्योंकि जिनके रुतबे हैं सिवा उनकी सिवा मुश्किल है, जितना ऊंचा मकाम अल्लाह ने दिया अरबों को उनमें हुजूर को उठाया, उनकी ज़बान में अपना आखिरी कलाम नाज़िल किया, तो उनकी ज़िम्मेदारी भी बहुत है। जिनके रुतबे हैं सिवा उनकी सिवा मुश्किल है। अकूल कौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइर अल-मुस्लिमीन वल-मुस्लिमात। तो ये था आज का रिएक्शन, आपको कैसे लगा तो आप ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बता देना। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।